नमस्कार, मैं डॉक्टर मदनलाल भास्कर। आप देख रहे हैं शील इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। आपकी सफलता हमारी सफलता है, आपकी उन्नति हमारी उन्नति है, इसी विश्वास के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। आपका सहयोग, आपका प्यार हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी की बात है। अब पिछली वीडियो में जो हम बताए थे कि किस तरीके से हम मोटर और गियर बॉक्स को अलग किए हैं, उसको आप देखे होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से मोटर के पिनियन को अलग करेंगे, किस तरीके से इसको कितनी बारीकी के साथ कितनी सावधानी से अलग करेंगे ताकि किसी प्रकार का त्रुटि ना हो, कोई टूट फूट ना हो, किसी प्रकार की कोई गलती का कोई गुंजाइश ना हो। क्योंकि मशीनरी में क्या होता है, एक चूक कर देंगे चोट लग सकती है, एक चूक कहीं होता है कोई बोल्ट टूट सकता है, थोड़ी सी गलती करेंगे कहीं पर तो किसी पार्ट्स में खराबी आ जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की गलती ना हो, ना चोट लगे किसी को, ना किसी प्रकार के नुकसान हो आपकी मशीन में। इस तरीके से आप जो है उसका काम को पूरा करेंगे, मशीन का सर्विसिंग करने के लिए आप उसको कर सकते हैं, बशर्ते सही सावधानी और जानकार व्यक्ति को सामने रखकर। अपना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना है, टप दे देना, एक फोटो टप थोड़ा। चिकन देखना उधर से मेरा अच्छा है ना। पेपर देना पड़ेगा।
17 लगेगा देखना। पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं बना था, भले वीडियो चार तो फास्ट निकलती है। ओ पीछे पीछे पूरा ठंडा हो गया, ध्यान रखना है। ऐसे पुश कर, स्लिप कर रहा है आप,
ब्लॉक है देखा आपने किस तरीके से हमारे जो टेक्नीशियन हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, उनके द्वारा मशीन की पिनियन को खोला गया, किस तरीके से उसकी सफाई की गई, किस तरीके से उसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही आराम से कार्य किया जा रहा है। उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके समक्ष एक आपको गाइड करने वाला, आपको सिखाने वाला अनुभवी व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, तभी आप मशीन को खोलें या मशीन को छेड़छाड़ करें। तो इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक लंबा अनुभव की देरी है। बस एक वीडियो को आप देख लिए, मशीन को खोल दिए हैं, आपके सामने कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है, तो इसमें आप फंस जाएंगे, आप त्रुटि में फंस जाएंगे, आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें, पहले सीखिए, पहले समझिए, संपूर्ण जानकारी लीजिए, या एक अनुभवी व्यक्ति को सामने रख करके उनके समक्ष जो है आप मशीन में कार्य करें, उसकी सर्विसिंग करें और उसको आप ठीक कर सकते हैं, बशर्ते एक गाइड करने वाला व्यक्ति आपके समक्ष होना चाहिए। तो आज मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।